अपोलॉजी का जो मतलब है वो होता है, इसका जो जनरल सा मीनिंग है वो डिफेंस ही है। अगर हम इसके एटमोलॉजी का, इसके बाकी जो उसने मीनिंग इसको दिए हैं फिलिप सिडनी ने, अगर हम उन मीनिंग को लें तो इसका मीनिंग है करेक्ट करना, इसका मीनिंग है कंपेंसेट करना। यहां पर इसने लिखा हुआ है कंपेंसेट और करेक्ट करना। कंपेंसेट एंड करेक्ट का मतलब ये कि जो पोइट्री के बारे में गलत किस्म के ख्यालात लोगों ने शेयर किए थे उनको दुरुस्त करना, लोगों के जो इल्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और जो लोगों ने चार्ज दिया पोइट्री को, ब्लेम दिया पोइट्री को, उसको आगे से इसने कंपेंसेट किया अपनी दलाइल के साथ। और मैंने पहले बताया कि इसके दलाइल की जो जड़ है वो पॉलिटिक्स के अंदर पड़ेगी। एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके इसने पोइट्री को डिफेंड किया। एरिस्टोटल ने पोइट्री को डिफेंड किया था क्लासिकल दौर में, ग्रीक दौर में। फिलिप सिडनी ने एलिजाबेथन दौर में पोइट्री को डिफेंड किया। ये मेरे पास ये कुछ, ये बीपीएससी का टेस्ट है, आदि बच्चे देके गए हैं। इसके अंदर मैंने एक पॉइंट इसका सेटल किया है कि फिलिप सिडनी ने पोइट्री को किस दौर में डिफेंड किया। मैंने वो एक पॉइंट इसका यहां पे सेटल किया है। ये जरा ये पढ़े, जरा पॉइंट नंबर 28 पढ़े जरा। मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी पहले बात सुन लें, बाकी जो चीजें नोट हो सकती हैं वो नोट करें, बाकी गौर से सुने। इसने पोइट्री को डिफेंड किया एलिजाबेथन एज में, रेनेसेंस के दौर में। इससे पहले क्लासिकल एंशियंट और ग्रीक दौर में एरिस्टोटल ने पोइट्री को डिफेंड किया था, जब प्लेटो ने पोइट्री को अटैक किया। हर दौर में पोइट्री के ऊपर अटैक हुआ और आगे से कुछ लोगों ने फिर पोइट्री को डिफेंड किया। अब यहां पे इधर कंटेंट में फाइव नंबर के कंटेंट है। इधर एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री एज एन एपिटॉम ऑफ रेनेसेंस क्रिटिसिज्म। रेनेसेंस क्रिटिसिज्म का ये एपिटॉम है। अब मैं इसको ओपन करके इसके रेफरेंस से आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उसने पोइट्री को जो अपोलॉजी है उस वर्ड को डिफाइन किया। आप आमतौर पे जानते हैं अपोलॉजी का मतलब होता है माजरत करना। तो जो चार्ज पोइट्री के ऊपर लगाए गए ऐसे समझे कि उन चार्ज से माजरत की इसने कि नो यू आर नॉट राइट। पोइट्री का नेगेटिव जो यूज है, जिसके बारे में जो कुछ फिलोसफर थे और कुछ और फिलोसफर कहते थे हमारी फिलोसफी बड़ी आला है और पोइट्री ये सारी इमिटेशन ही है, नकल है सारी। और इसके अंदर क्या है, जैसे कि पहला जो मौकफ था प्लेटो का कि पोइट्री जो है वो गुमराह करती है, मौकफ उसका ये था कि पोइट्री झूठों की माँ है, मदर ऑफ लाइज। पोइट्री बिट्रेस यंग जनरेशन फ्रॉम द राइट पाथ। फिलोसफर जो थे ना, हमेशा से फिलोसफर और साइंटिस्ट लिटरेचर के लोगों को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। लिटरेचर को पोइट्री चाहे ड्रामा हो चाहे नॉवल हो, तो वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं लिटरेचर को। उनके अकॉर्डिंगली जो फिलोसफर और साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि पोइट्री निकम्मों का काम है, पोइट्री करना पढ़ना पढ़ाना ये फजूल लोगों का काम है, क्योंकि इसके अंदर कोई पर्पज ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है इसका, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी है ही नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। पोइट्री आप पढ़ें तो आपको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, रोटी मिलती है। ड्रामा लिखे पढ़े फिल्म देखें तो आपको रोटी मिलती है, पैसे भी नहीं मिलते, खाना भी नहीं मिलता, मिलता क्या आपको, वक्त का जिया। अच्छा, फिलोसफर लोगों को जो सिंपल लोग हैं इसीलिए कायल किया जा सकता है इस तरह की बातें करके कि टाइम का जिया है बस, क्यों नहीं, ऐसे ही है ना, ये टाइम का जिया है। फेसबुक चलाएं क्या मिलता आपको, व्हाट कुछ नहीं मिलता ना, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप थिएटर ड्रामा देखते हैं तो क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या, फेसबुक थिएटर ड्रामा
क्या थिएटर वाला ड्रामा फेसबुक पे नहीं देखा जा सकता? नहीं, अब ये बताएं कि हर चीज का जब हम कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स जब डिस्कस करते हैं तो ज्यादा रेशो देखते हैं कि ज्यादा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है आपकी नजर को, फेसबुक का ज्यादा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान ज्यादा हो रहा है। इस चीज को हम देखते हैं ना, ये इसी तरह जो टिकटॉक है उसका क्या मिल रहा है? क्या ज्यादा? हाँ ना, क्योंकि जो इवन है उसके अंदर अट्रैक्शन है, उसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन है। और अच्छा काम जरा अपने जमीर को दबा के करना पड़ता है, वो आजादी में नहीं ना होता, अच्छा काम पाबंदियों के अंदर होता है। एक सबसे पहले तो एक सारा मुकम्मल एक खुलासा सुन रहे हैं कि एक तो उसने पोएट्री को जब डिफेंड किया तो बाकी सारे फील्ड के साथ कंपेरिजन दिया उसने, हिस्ट्री के साथ, फिलोसफी के साथ, खास तौर पर हिस्ट्री और फिलोसफी के साथ खास तौर पर उसने कंपेयर करते हुए कहा कि ये हिस्ट्री और फिलोसफी से ज्यादा बेटर है। अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को साबित किया उसने दलाइल के साथ। अपोलॉजी का पहले तो उसने उसको डिफाइन किया ना, इसका मतलब वही जो करेक्ट करना और कंपनसेट करना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने बेस पर बेस के तौर पर इस्तेमाल किए पोइटिक्स और एरिस्टोटल का कंसेप्ट और प्लेटो की बातें। प्लेटो का भी यही अटैक था पोएट्री के ऊपर कि एक तो मदर ऑफ लाइज है, एक जस्ट इमेजिनेटिव है, अवे फ्रॉम रियलिटी है, हकीकत से दूर है। मैंने आपको पहले बोला है कि इसको सॉल्व करते हुए आपका पॉलिटिक्स भी सॉल्व हो जाएगा। प्लेटो के अटैक के उसका ये था कि ये हकीकत से दूर होती है पोएट्री, ड्रामा ये भी सारी एक इमिटेशन पिक्चर है, सारी हकीकत नहीं होती इसमें। और फिर जो फिलोसफर थे और साइंटिस्ट थे और हिस्टोरियन, वो पोएट्री के खिलाफ थे। वो अपने आप को बड़े आला समझते थे कि हम बड़े फिलोसफर हैं और पोएट्री और ड्रामाटिस्ट ये सारे फजूल किस्म की इमिटेशन कर रहे हैं। इसने फिर उन तीनों के साथ कंपेयर किया, हिस्टोरियन के साथ भी, फिलोसफी के साथ भी, और इसके अलावा समझते हैं जैसे साइंटिस्ट है वो अपने आप को समझता है कि वो बड़ा आला, उसके उसका काम बड़ा आला है, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए करते हैं। और यहाँ पे कोई इवन के जो प्रैक्टिकल काम करने वाले किसान है वो अगर काम नहीं करते हमें खाना नहीं मिलेगा, इट मींस दे आर बेटर देन देन अस। हाँ, ये जो प्रोडक्टिव लोग हैं वो तो बाकी बेटर है, लेकिन एक बात ये है, आपने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके पास दुनिया की हर आसाइश होती है, खाना पीना घर बंगला गाड़ी हर पैसा सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास मेंटल पीस नहीं होता। अब देखिए जो ये इसके बारे में पोएट्री की डेफिनेशन ये है, पोएट्री को डिफाइन भी किया है इसी बुक में उसने, और डेफिनेशन के लिए एक जनरल डेफिनेशन है कि ये पोएट्री जो है लावा ऑफ इमेजिनेशन है। किसी बाहर से के बंदे से पूछे ना पोएट्री को डिफाइन करें, और अगर उसका माइंड अच्छा वर्क करता है तो वो कहेगा कि पोएट्री जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ फीलिंग, इट्स अ ब्रांच इन विच, ये एक ऐसी ब्रांच है लिटरेचर की इन विच अ पर्सन एक्सप्रेसेस वंस ऑन फीलिंग्स इमोशंस एंड पैशंस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपने फीलिंग का दार कर रहा होता है। लवर ने दूसरी मैसेज किया अपने लवर को कि मुझे अपने फीलिंग का इजहार करो, उसने पोएट्री लिख के सेंड कर दी, पोएट्री लिख के सेंड कर दी उसने। पोएट्री एक फीलिंग का एक्सप्रेशन है एक आम बंदे के लिए, और बाकी एक एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, लेकिन कैसा एक्सप्रेशन होता है डिफरेंट फ्रॉम जर्नल एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर म्यूजिकल इम्पैक्ट भी होता है और रिदम और राइम और मीटर और इस तरह के पैटर्न जो डायरेक्ट अटैक करते हैं दिल पे, ठीक है ना, कह के वाह 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 लोग करते हैं ना, बहुत बहुत, मतलब ये एक ऐसा एक डिफरेंट किस्म का फीलिंग का एक्सप्रेशन होता है जो जर्नल नहीं होता। यानी ये एक
एग्जेजरेटेड किस्म का एक्सप्रेशन होता है, इसलिए ये कह देते हैं झूठों की माँ है। अच्छा, डन ने कहा था कि मेरे आंसुओं से आबे नूह आ जाएगा। नूह अलैहि सलाम के दौर में इतना बड़ा फ्लड आया था, पहाड़ भी डूब गए थे ना। आंखों से इतना बड़ा फ्लड आ सकता है आंखों के पानी से? झूठ हुआ ना, एग्जैजरेट किया हुआ। एग्जैजरेशन है क्या? बड़े बड़े पुल बांधने वाला बंदा, एग्जैजरेशन इसी चीज का नाम है ना। अच्छा, एक और, हम पोइट्री को डिफेंड करते हैं, इस बात को भी डिफेंड करते हैं। कैसे डिफेंड करेंगे? देखें, वो झूठ झूठ नहीं होता जिसका अगले बंदे को पता हो कि ये झूठ है, वो झूठ ही नहीं होता। मैं आपको कहता हूँ, आधा अमेरिका से होके आया हूँ, तो आप आगे से स्माइली पास करेंगे ना, मतलब आप रियलिटी को जानते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। आंखों से डेल्यूज तो नहीं आएगा, आंसुओं से आबेनू तो नहीं आएगा। और या एक लवर अपनी बिलावी को कहता है, मैं तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊंगा, ले आएगा। तो ये बातें जो है, ये अंडरस्टूड है कि वो जस्ट एक एक्सप्रेशन है। पूछा किंग लियर ने अपनी बेटी बड़ी से, क्या कर सकती हो मेरे लिए? पता है ना, उसने कहा दुनिया का सब। तो वो, उसको समझ नहीं आई। अगर समझ आ जाए ना, शायद की हर उसका झूठ समझ आता है कि जान तोड़ के ला सकता है कि नहीं, सितारे ला सकता है कि नहीं, फ्लड आ सकता है कि नहीं। तो बरन, ये जो एक बड़ा सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, पोइट्री की एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, ये झूठ नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है, एरिस्टोटल ने डिफेंड किया था इसी झूठ वाली बात को। उसने कहा कि पॉसिबिलिटी पे शायर हमेशा बात करता होता है, झूठ तो वो बोलता ही नहीं है। हाँ अच्छा जी, उसने कहा था कि जो आप सारी पोइट्री की ग्रामर पढ़ के देख लें, उसके अंदर जमाना तो होता ही नहीं है। जब टेंस ही नहीं होगा तो बात खुली होगी, यानी उसमें तो सारी पॉसिबिलिटी होती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मे और माइट के साथ वो लिख रहा होता है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे जाके वो लिख रहा होता है, वो तो कंफर्मिटी पे बात ही नहीं करता। लादा झूठ कैसे हो गया? एक बार मैं आपको कहता हूँ, हो सकता है कि कल रिजल्ट आउट हो जाए, तो मैंने कौन सा कंफर्म कहा, मैंने तो पॉसिबिलिटी की बात की है। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि हो सकता है, या मैंने कहा फर्ज कर लो, फर्ज करो या हो सकता है, अगर ये बात मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक बंदा भाई, जब उसने झूठ बोला था, आपने वर्ड पे गौर ही नहीं किया कि मैंने कोई जमाना तो इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने तो पॉसिबिलिटी की बात किया। अब एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, आज सुबह ही मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें 8 for 8 sake की थीरी थी। 8 for 8 sake, लिटरेचर इज एन आर्ट, ड्रामा, नॉवल, पोएट्री, ये सारा एक आर्ट है। लिटरेचर इज एन आर्ट, आर्ट, 8 for 8 एक थीरी है लिटरेचर के अंदर, जो फ्रांस से डेवलप हुई थी। और फ्रांस का एक बहुत बड़ा एक पोइट है, गॉटियर उसका नाम है, उसने इस थीरी को फ्रांस में डेवलप किया। उसके बाद ये थीरी फ्रांस से निकली और 8 for 8 sake की थीरी आ गई इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड में एक स्वाइन बर्न नामी एक राइटर, उसने इसको स्टार्ट किया, 8 for 8 sake की थीरी। उसके बाद जो एक वॉल्टर पीटर एक राइटर आया इंग्लैंड के अंदर ही, यानी ये फ्रांस से अब इंग्लैंड आ चुकी है, 8 for 8 sake थीरी। ये थीरी क्या कहती है? ये थीरी कहती है कि लिटरेचर का जो फायदा है ना, अमली फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन इसका एस्थेटिक फायदा है, एस्थेटिक फायदा। अब देखें, जब इंग्लैंड में ये थीरी आई ना, तो इंग्लैंड में इसको चलाने वाला स्वाइन बर्न, उसके बाद वॉल्टर पीटर को कहते हैं प्रॉफिट ऑफ एस्थेटिसिज्म, कहते हैं वॉल्टर पीटर प्रॉफिट ऑफ एस्थेटिसिज्म। और मैं इसकी वजह कर रहा था कि स्टैटिसिज्म की जो थीरी है ना, वो सिर्फ दिमाग के सुकून को कहते हैं स्टैटिसिज्म, प्लेयर ऑफ सेंसेस को कहते हैं स्टैटिसिज्म। प्लेयर ऑफ सेंसेस इतना बड़ा आज की नस्ल का शौक है ना, कि छड़ी गल दे। आज की नस्ल, ये जो फेसबुक, टिकटॉक, ऑल दैट,
डिसी सप्लायर ऑफ एस्थेटिसिज्म। मैं जो पहले बात कर रहा था कि फेसबुक ड्रामा थिएटर ये वो सब कुछ पढ़ने देखने का फायदा क्या है, ओनली एस्थेटिक प्लायर। बी आर मिली की बुक पढ़े ना तो उसकी बुक के स्टार्ट पे पेज नंबर 3 के ऊपर सेकंड लाइन है जिसपे लिखा हुआ है एस्थेटिक प्लायर, दिस इज द एंड ऑफ लिटरेचर। एंड मीन टू से पर्पस, लिटरेचर का मकसद है एस्थेटिक प्लायर। ड्रामा पढ़े, पोएट्री पढ़े, नॉवल पढ़े, प्रोज पढ़े, कुछ भी पढ़े, आपको मिलेगा क्या, एस्थेटिक प्लायर। हाँ, एक तबका दूसरा है, ये जो था ना रेनेसेंस का जो दौर था, रेनेसेंस के दौर की मैं वजाहत कर रहा था कि रेनेसेंस का दौर 1500 से स्टार्ट हुआ, 1660 तक जाता है। ये बात मैं आपके सामने पता नहीं कितनी दफा बोल चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कब सही तरीके से आपके माइंड में प्रिंट हो रही है, 1660 तक। अच्छा, आप अगर हम 1500 से 1660 तक इसकी डिवीजन करें ना सही सही, तो 1500 से 1600 अलग कर दो, और इसके अंदर भी अगर हम चले जाए ना 100 साल के अंदर भी, तो मलका एलिजाबेथ वो आई थी 1554 में, 1554 से लेकर वो मरी थी 1603 में। और कहा जाता है कि रेनेसेंस का जो अरूज था ना वो मलका एलिजाबेथ का दौर था, यानी इसके तकरीबन को लमसम कर ले 40 साल इसके जो थे ना मलका एलिजाबेथ के, वही रेनेसेंस का पीक था। वैसे रेनेसेंस है 160 साल की, लेकिन रेनेसेंस का जो पीक है ना पीक, वो मलका एलिजाबेथ का दौर है, क्योंकि रेनेसेंस के 160 सालों के अंदर ही मलका एलिजाबेथ आ रही है इंग्लैंड के अंदर, समझ आई ना। इससे पहले एक चार्ल्स था, चार्ल्स 8 था इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर, बहरहाल उसको छोड़े। मलका एलिजाबेथ का जो दौर है दिस इज द पीक ऑफ रेनेसा, ये रेनेसेंस का पीक है। मलका एलिजाबेथ का मर्डर क्यों हुआ था, क्योंकि मलका एलिजाबेथ बड़ी लिबरल थी, बड़ी लिबरल थी। मुझे याद है मैं छोटा सा था, बेनजीर भुट्टो जब आई थी ना इकतदार पे, तो बेनजीर भुट्टो के दौर में वीकली, तब पीटीवी था बस, केबल शेबल का चक्कर काफी था, और वीकली फिल्म लगती थी पाकिस्तान की, एक पुरानी फिल्म लगा करती थी हफ्ते में एक दिन, जो मेरा हाथ वाले दिन या इस तरह हो, बस बहरहाल चेंज होते रहे ये टाइम जी। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे फिलिप सिडनी ने स्टेफन गॉसन के चार्जेस का जवाब दिया। स्टेफन गॉसन ने अपनी एक बुक लिखी 1579 में, इसके लिखने के एक साल पहले उसने किताब लिखी द स्कूल ऑफ एब्यूज। उस बुक में उसने पोएट्री के ऊपर चार चार्जेस लगाए, एक अ मैन कुड अप्लाई, अ मैन कुड इम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूजफुली देन दैट ऑफ पोएट्री, एक बात। दूसरा उसने वही क्लासिकल चार्ज, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, तीसरा भी वही क्लासिकल चार्ज है, इट कैन बिट्रे अस फ्रॉम द राइट पाथ, और चौथा जो प्लेटो ने काम किया पोएट्री और पोइट्स को बैन किया उसको अप्रिशिएट करते हुए, उसका चौथा जो है ही अप्रिशिएट्स प्लेटो बिकॉज ही बैन्स पोएट्री एंड पोइट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट ऑफ हिज बुक द स्कूल ऑफ एब्यूज, उसकी किताब का चौथा पॉइंट ये है जिसमें वो अप्रिशिएट करता है प्लेटो को, क्योंकि उसने पोइट और पोएट्री को बैन करवा दिया। अब इसका जवाब ये कैसे देता है फिलिप सिडनी, एक तो वो कहता है कि पोएट्री जो है वो आइडिया क्रिएट करती है और आइडिया हमें एक्शन की तरफ लेके जाता है, और एक्शन की बदौलत कंक्रीट वर्ड हमारे सामने आ जाती है। इट मीन्स दिस कंक्रीट एक्चुअल वर्ड दिस इज डिपेंडेंट टू आइडिया एंड आइडिया इज डिपेंडेंट टू पोएट्री, एक तो ये है। सेकंडली ये, मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं कि पोएट्री के फायदे क्या क्या है, फंक्शन ऑफ पोएट्री क्या है, ये हमें इंस्पायर भी करती है, मोटिवेट भी करती है, इंस्पिरेशन भी देती है, मोटिवेशन भी देती है, इनकर्ज भी करती है, और हमें जो इसका चार्ज के अगेंस्ट बात है, पोएट्री के अंदर एक्शन, इमेजिनेशन से आइडिया पैदा होता है, आइडिए से आगे एक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, सो पोएट्री मूव्स अस टवर्ड एन एक्शन। ये जो वर्ड मूव है ना, ये स्पेशल वर्ड है, इसने फिलिप सिडनी ने डिफेंड करते हुए पोएट्री को ये मूव का वर्ड इस्तेमाल किया, पोएट्री मूव्स अस, और ये जो मूवमेंट है इसी की बदौलत आगे कंक्रीट एक्शन परफॉर्म होगा।
So this concrete word, this is dependent to idea we can get from imagination, and poetry is a love of imagination. लिहाजा इनका एक एसोसिएशन, एक लिंक क्रिएट हो गया. दिस इज द एक्शन ऑफ पोएट्री, दिस इज द यूज ऑफ पोएट्री. इसने कहा पहले जो चार्ज स्टेफन कॉसन ने बोला था कि पहले चार्ज में, कि इससे ज्यादा और फील्ड है जिनका बड़ा यूजफुल आउटपुट होता है, इसका कोई यूजफुल आउटपुट नहीं है. इट्स इम्प्रैक्टिकल, इट्स यूजलेस एंड इट्स मीनिंगलेस. अब अगले बात की तरफ आ रहे हैं, जो पोइट्री मदर ऑफ लाइज, इस पर हम बात कर चुके हैं कि पोइट्री जो पोइट होता है वो तो कुछ भी कंफर्म नहीं करता, वो तो पॉसिबिलिटी पे जाके बात कर रहा होता है, वो तो प्रोबेबिलिटी पे जाके बात कर रहा होता है. ही डस नेवर कंफर्म एनीथिंग. अ पोइट नेवर सेज एनीथिंग इन सर्टेनिटी. अ पोइट टॉक्स ऑन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. ये उसका सेकंड, उसका काउंटर यानी कि जवाब है, उसका सेकंड डिफेंस. उसके बाद जो थर्ड पे उसने बोला कि ये हमें बिट्रे करती है, पोइट्री बिट्रेज अस फ्रॉम द राइट पाथ. इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं प्रीवियस एपिसोड में, जिसमें मैं बता चुका हूं कि पोइट्री की जो सारी किस्में हैं, पोइट्री की जो क्लासिफिकेशन करके इसका जवाब आपके सामने है. आई थिंक यू कैन रिकॉल दिस, प्रीवियस डिस्कशन को आप रिकॉल कर लें. By classifying poetry, there are different kinds of poetry. Only one kind of poetry can betray, but all other kinds, for example, mystic poetry, religious poetry, divine poetry, philosophical poetry, moralistic poetry, or Allama Iqbal ki poetry. So there is a practical use of poetry. अब हम कुछ और इसके मुनफरद, इसके जो स्टेटमेंट है बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ फिलिप सिडनी, उसकी बात करते हैं. उसने कहा कि पोइट्री हमें मूव करती है, और अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, पोइट्री एक स्किल है. स्किल, जैसे हम स्किल सीखते हैं और उससे हम बेनिफिट लेते हैं, इट्स अ स्किल. देखें एक बार इसने ये भी इसने कोट किया प्रीवियस जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है उसको कोट किया. एज ऑफ एनलाइटमेंट एक्चुअली एज ऑफ रीजन है, एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म है. ये ध्यान में रखिएगा, जो 18th सेंचुरी का लास्ट हाफ ऑफ द पोर्शन है वो एज ऑफ एनलाइटमेंट है, एज ऑफ रीजन है. उसको एज ऑफ रीजन और एज ऑफ एनलाइटमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज साइंस केम ओवर देयर. उसी दौर में न्यूटन आया था और वो साइंस का दौर था, साइंस का इंकलाब था, और पूरी दुनिया में एक किस्म की इक्वालिटी की आवाज आ रही थी, जमहूरियत की आवाज आ रही थी, डेमोक्रेसी केम इन टू बींग, साइंस केम इन टू बींग. सो साइंस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन वॉज ऑल्सो ओवर देयर, और मुआशरती इंकलाब भी था. मिसाल के तौर पर फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो भी एज ऑफ रीजन के अंदर ही आया है, एज ऑफ एनलाइटमेंट के अंदर ही आया है. तो ये बेसिकली तौर पे एज ऑफ साइंस है, ये साइंस की आमद थी, एज ऑफ एनलाइटमेंट. फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंगली कि अगर पोइट्री का कोई फायदा नहीं है तो फिर एज ऑफ एनलाइटमेंट के खिलाफ, एज ऑफ एनलाइटमेंट के खिलाफ अगला दौर क्यों आया था. एक्चुअली जो एज ऑफ एनलाइटमेंट का अगला दौर है ना, एज ऑफ रीजन न्यू क्लासिसिज्म का अगला दौर है रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म जो है वो बिल्कुल रीजन से हटके है, यानी साइंस एंड पोइट, साइंटिस्ट एंड पोइट बिल्कुल अपोजिट है. सो एज ऑफ साइंस के बाद एज ऑफ इमेजिनेशन वो आती है. एज ऑफ साइंस 18वीं सदी है, 19वीं सदी के पहले 30 साल, 3 decades, वो है रोमांटिसिज्म का दौर. और जो रोमांटिसिज्म है, अगर हम उसको कुछ खास वर्ड दें, बहुत सादा, दिस इज एन, इट्स एन एज ऑफ इमेजिनेशन, इट्स एन एज ऑफ इमोशंस, इट्स एन एज ऑफ फीलिंग इन विच सब्जेक्टिविटी वॉज ओवर देयर, नॉट ऑब्जेक्टिविटी. अच्छा, ये एक्शन के बाद रिएक्शन क्यों होता है. सारी जो एजेस हैं उसमें एक्शन के बाद रिएक्शन आया, यानी कि अगर हम मेडिवल दौर की बात करें तो उसमें रिलीजन आता है, रिलीजन के बाद अगला दौर जो रेनेसेंस का आता है वो बिल्कुल रिलीजन के अगेंस्ट है. मैं बता चुका हूं कि जो रेनेसेंस है वो एज ऑफ सैटन है. एक दौर था जिसमें मजहब है, अगला दौर है जिसमें शैतान है. एक दौर है जिसमें डिवेनिटी है, अगला दौर है जिसमें सैटनिज्म है. और जैसे ही ये जो रेनेसेंस का दौर
जब एंड पे पहुंचता है तो दोबारा मजहब आ जाता है। डिवेनिटी एंड सैटनिज्म वो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, लेकिन अगेंस्ट चलती हैं, वाइस वर्सा चलती हैं, वो अपोजिट चल रही होती हैं। एक्शन देन रिएक्शन, ये अगर फार्मूला आप सारी एजेस पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, सारी एजेस की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जब डिक्लाइन ऑफ रेनेसेंस आता है तो उसमें आ जाती है प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटनिज्म क्या है? फिर मजहब की इंतहा। प्यूरिटनिज्म के बाद जब चार्ल्स टू आता है, यानी चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू आके थिएटर को ओपन कर देता है 1660 में, मतलब दोबारा वही लिबरल दौर आ जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड आ जाता है। उसके बाद आगे जो सदी आ रही है यानी 18वीं सदी, उसमें एज ऑफ रीजन, साइंस, न्यूटन, ऑल दिस केम इन टू बींग। रेवोल्यूशन इन फ्रांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दैट एज, एज ऑफ इनलाइटमेंट जिसको कहते हैं। अब इसके बाद साइंस के बाद फिर एज ऑफ इमेजिनेशन आ जाती है आगे। फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंगली कि अगर इसका कोई फायदा नहीं था तो फिर एज ऑफ रीजन के बाद एज ऑफ इमेजिनेशन क्यों आई? मतलब कि जहां पे एक कंक्रीट एक्शन और कंक्रीट वर्ड की जरूरत होती है, जहां पे एक बंदे को खाना पीना चाहिए, वहां पे उसको रूह की गजा भी चाहिए, उसको एस्थेटिसिटी भी चाहिए, उसको उसको एक यहां से टेंशन भी रिलीज करनी होती है, यहां से दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज डिप्रेशन इन एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड एन एंग्जाइटी विल होल्ड यू, विल कैच यू, यू विल सफर इन एन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन।